हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थी, अपना टॉपिक चल रहा है मृदा निर्माण और इस मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी अपन पिछले वीडियो में ले चुके हैं, पिछले सेशन में ले चुके हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उस सेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और मृदा का निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है, किस प्रक्रिया का क्या क्या योगदान होता है, कितनी मात्रा में योगदान होता है, इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। साथ के साथ नोट्स जरूर आप लोग बनाते रहें ताकि आपके नोट्स यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग आगे भी इस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बात करूँ मृदा निर्माण के बारे में। तो मृदा निर्माण की मुख्यतः दो प्रावस्थाएं होती है और इन्हीं के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, मृदा निर्माण की मुख्यतः दो प्रावस्थाएं होगी और इन दो प्रावस्थाओं में बात करें तो सबसे पहली होती है मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण, यानी कि जो पैतृक पदार्थ होते हैं। मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ क्या लेते हैं अपन, चट्टाने लेते हैं, आपको पता है। तो मृदा निर्माण के लिए मूल पदार्थ कौन होता है, चट्टान होती है। ठीक है, तो मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण पहले होगा, यानी पहले मूल जो पदार्थ है चट्टाने वो टूटेगी और उनके टूटने से क्या बनेंगे, कच्चे पदार्थ बनेंगे। पहली प्रावस्था तो ये हो गई। और दूसरी प्रावस्था क्या होती है कि इन कच्चे पदार्थों का मृदा पिंड में रूपांतरण होगा, यानी कि चट्टानों के टूटने से जो कच्चे पदार्थ बने हैं वो कच्चे पदार्थ क्या होंगे, आगे जाकर वो मृदा पिंड में रूपांतरित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दूसरा प्रावस्था इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन दो प्रावस्थाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण मुख्यतः होता है। सबसे पहले क्या होगा, मूल चट्टानों के टूटने से, उनके विखंडन से कुछ कच्चे पदार्थों का निर्माण होगा और दूसरी प्रावस्था में ये जो कच्चे पदार्थ हैं इन कच्चे पदार्थों के द्वारा ही मृदा पिंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ सामान्य सी बात अपन और कर लें। तो देखो, पहली प्रावस्था विखंडन व विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, विनाशकारी प्रावस्था क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ बनेंगे, यानी मूल चट्टाने टूटेगी, टूटने को क्या बोलते हैं अपन, विखंडन बोलते हैं या विच्छेदन बोलते हैं। तो जब मूल चट्टाने टूटेगी, उनका विखंडन होगा, उनका विच्छेदन होगा, तो विच्छेदन होने से, टूटने से क्या बन रहे हैं, कच्चे पदार्थ बन रहे हैं और टूटने को क्या बोलते हैं, विनाश। क्या बोलते हैं, विनाश। इसीलिए इस प्रावस्था को क्या बोला जाता है, विनाशकारी प्रावस्था कहा जाता है। तो देखो, पहली प्रावस्था विखंडन तथा विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था होती है, जबकि दूसरी प्रावस्था की बात करें तो दूसरी प्रावस्था में हो क्या रहा है, इसमें कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड में रूपांतरण हो रहा है, यानी कि कच्चे पदार्थ से मृदा का निर्माण हो रहा है। तो जब कच्चे पदार्थ से मृदा का निर्माण हो रहा है तो इस संश्लेषण निर्माण को अपन क्या बोल सकते हैं, देखो निर्माण को अपन संश्लेषण भी बोल सकते हैं, निर्माण को अपन उद्भव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कच्चे पदार्थ से मृदा पिंड का निर्माण हो रहा है, मृदा का उद्भव हो रहा है, मृदा का संश्लेषण हो रहा है और मृदा के निर्माण होने के कारण ही इस प्रावस्था को निर्माणकारी प्रावस्था कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि पहली प्रावस्था तो क्या होगी, विखंडन तथा विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था होती है, जबकि दूसरी प्रावस्था संश्लेषण व उद्भव की निर्माणकारी अवस्था है। और इन दोनों प्रावस्थाओं की अपन बात करते हैं तो दोनों ही प्रावस्थाओं की अपन बात करें तो ये भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के माध्यम से संपन्न होगी। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि भौतिक कारकों की वजह से, जैविक कारकों की वजह से, रासायनिक कारकों की वजह से ये जो मूल पदार्थ चट्टाने होती है ये टूट कर कुछ कच्चे पदार्थ बना लेती है और उन कच्चे पदार्थों से ही मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं होती है, जो प्रावस्थाएं होती है, ये भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के माध्यम से संपन्न होती है।
ठीक है, आगे बात करें अपन। तो देखो मैंने आपको बताया है कि चट्टाने जो होती है वो भौतिक अपक्षय के माध्यम से, रासायनिक अपक्षय के माध्यम से, जैविक अपक्षय के माध्यम से क्या होती है, टूटती है, और इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और जैसे मृदा की भौतिक संरचना परिवर्तित हुई तो मृदा में विभिन्न परतों का क्या होता है, विकास होता है। और ये जो विभिन्न परतें यहाँ पर बन रही है, इसमें विभिन्न परतों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ कि जब मृदा विभिन्न परतों के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है तो उस परतों के पूरे सेट को अपन क्या बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। और इस सोइल प्रोफाइल का विकास ही क्या कहलाता है, मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। ध्यान रखें कि मृदा प्रोफाइल का जो विकास होता है, सोइल प्रोफाइल का जो विकास होता है, वही क्या कहलाता है, वही आपका मृदा का निर्माण कहलाता है, मृदा की उत्पत्ति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि सोइल या मृदा का निर्माण जो होता है उसमें मुख्यतः दो प्रावस्थाएं भाग लेती है। एक तो होता है मूल चट्टानों से कुछ कच्चे पदार्थों का निर्माण होना, और दूसरी प्रावस्था होती है इन कच्चे पदार्थों से आपकी मृदा पिंड का निर्माण होना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो अगला पॉइंट यहाँ पर है और वो है मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो देखो मृदा निर्माण जो होता है मुख्यतः दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा, प्रक्रियाएं वही है, देखो नाम चेंज हो जाते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई है, बाकी प्रक्रियाएं वही होती है, एक विनाशकारी प्रावस्था होगी, एक निर्माणकारी प्रावस्था होगी। तो सुनो ध्यान से कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राथमिक प्रक्रियाएं, दूसरी होती है विशिष्ट प्रक्रियाएं जिन्हें अपन गौण प्रक्रियाएं भी कहते हैं। तो देखो प्राथमिक प्रक्रियाएं जो होती है, ध्यान रखें मृदा निर्माण की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना उन्हें अपन पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ध्यान रखें पेडोलॉजी के अंदर अपन मृदा के निर्माण का अध्ययन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं तो जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है उन्हें अपन पेडोजेनिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये जो मृदा निर्माण की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है मुख्यतः दो प्रक्रियाएं होती है, प्राथमिक प्रक्रियाएं, दूसरी होती है विशिष्ट प्रक्रियाएं या गौण प्रक्रियाएं, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, पेडोजेनिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। और ध्यान रखें कि मृदा निर्माण की जो प्राथमिक प्रक्रियाएं होती है, जो प्रारंभिक प्रक्रियाएं होती है, इनकी अपन बात करें तो इनसे मृदा में विभिन्न प्रकार के स्तर बनते हैं। यानी कि जो प्राथमिक प्रक्रियाएं होगी मृदा निर्माण की उनमें क्या होगा, पहले सहस्तरों का निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के क्या बनेंगे यहाँ पर, सहस्तर यहाँ पर बनते हैं। और जबकि गौण प्रक्रियाएं जो होती है वो विशेष प्रकार की मृदा प्रोफाइल का विकास करती है। तो ध्यान रखेंगे प्राथमिक प्रक्रियाओं से तो विभिन्न सहस्तर बनेंगे और जो गौण प्रक्रियाएं होती है, विशिष्ट प्रक्रियाएं होती है, ये पूरी तरह से मृदा प्रोफाइल के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपसे पूछा जाए कि मृदा निर्माण की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो दो प्रावस्थाएं होती है, कौन कौन सी, मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण और कच्चे पदार्थ से मृदा पिंड में रूपांतरण, दो प्रावस्थाएं होती है। और पूछा जाए कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं कितनी होती है, दो प्रक्रियाएं होती है, प्राथमिक प्रक्रियाएं और विशिष्ट प्रक्रियाएं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये था अपना यहाँ पर मृदा निर्माण की अवस्थाएं और मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। अब यहाँ पर जो निर्माणकारी प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, निर्माणकारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, इसके अलावा विनाशकारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक एक को अपन यहाँ पर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं की अपन बात करें तो देखो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं में सबसे पहली आती है ह्यूमिफिकेशन। और इस ह्यूमिफिकेशन की हम बात करते हैं तो देखो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण, इन सभी को संयुक्त प्रकार से या संयुक्त रूप से अपन ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। यानी मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन कैसे होता है और नवीन कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है, इन प्रक्रियाओं को यदि सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं,
ह्यूमिफिकेशन कहते हैं और यह प्रक्रिया मृदा की सतह पर ह्यूमस परत बनाने में सहायता करती है। यानी मृदा की सतह पर ह्यूमस की परत कैसे बने, मैंने आपको बताया था ह्यूमस बनता कैसे है, अपन ने मृदा कोलाइडों के अंदर पढ़ा है ये कार्बनिक पदार्थ का कोलाइड होता है और मैंने आपको वहीं पर बताया था कि ह्यूमस का निर्माण जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से, यानी कि जब कार्बनिक पदार्थ विच्छेदित होकर विखंडित होकर गहरे भूरे रंग के या काले रंग के पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ह्यूमस अपन कहते हैं। और इस ह्यूमस के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। आगे ध्यान रखें तो ह्यूमस परत को ओसंस्तर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों, ह्यूमस परत को अपन ओसंस्तर भी कहते हैं। आगे बात करें तो नम उष्ण प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक सक्रियता के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्रता से हो जाता है और इस कारण यहाँ पर ह्यूमस एकत्रित नहीं हो पाता। यानी कि जब इस सतह से, जब इस नम उष्ण सतहों से, नम उष्ण प्रदेशों में उपस्थित ह्यूमस जब एकत्रित नहीं हो पाया तो यहाँ पर जब जल यहाँ से गुजरता है इन सहस्त्रों से तो इनमें उपस्थित कुछ कार्बनिक अम्लों को विलय करके नीचे वाले सतहों में ले जाता है और इस प्रकार से ये जो ह्यूमस का निर्माण होता है ये ए व ब बी सहस्त्र के विकास को भी प्रभावित करता है। इनकी खुद ह्यूमस होता है ओ सहस्त्र में और ये मृदा प्रोफाइल के ए व बी सहस्त्र के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इस प्रकार से बात करें सबसे पहली प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आज क्या बता दिए मैंने आपको, बता दिए ह्यूमिफिकेशन और ये होता है ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण होता किससे है तो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से होता है। तो देखो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन और नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस पाया कहाँ जाता है तो ये ओसंस्तर में पाया जाता है और जब यहाँ से इस ओसंस्तर से जल गुजरता है तो ये इस ह्यूमस के अंदर उपस्थित जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको घोलकर नीचे ले जाएगा और इस प्रकार से ये ह्यूमस ए व बी सहस्त्र को भी प्रभावित करता है। तो ये था मेरे विद्यार्थियों आज का सेशन जिसमें मैंने आपको मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर पहली प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बता दिया है। तो आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर ह्यूमिफिकेशन जो प्रक्रिया है बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। और भी बहुत सारी निर्माणकारी प्रक्रियाएँ होती है जो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो इन प्रक्रियाओं को विस्तारपूर्वक अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लें, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। डाउनलोड ऐप इन प्ले स्टोर, विनायक एजुकेशन ग्रुप, ऑनलाइन कोर्स एंड Classes, RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English, RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English, Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.